हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्टर अली, मेरा नाम है एडिसन। वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। और ऑलरेडी मैं पवनदीप और अरुणिता के एक वीडियो पे रिएक्ट कर चुका हूँ। एक सॉन्ग पे रिएक्ट किया है उस वो दो वीडियोस थी उस सॉन्ग की। एक रेल वर्जन था, एक रिप्राइज वर्जन था। दोनों पे रिएक्ट किया और रिप्राइज वर्जन पे ही मुझे एक और सॉन्ग बताया गया। ये सॉन्ग तीन दिन पहले ही रिलीज हुआ है, देखा तुझे तो लगा। और ये हिमेश रेशमिया कि YouTube चैनल से लिया गया है मैंने, और इस पे 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने अरिजीत सिंह के YouTube चैनल पे देखा, 2. समथिंग सब्सक्राइबर्स थे। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू पीपल के प्लीज़ चाहें सब्सक्राइब करें। अरिजीत सिंह के नाम से आपको मिल जाएगा चैनल। और मुझे तकलीफ़ हुई जब मैंने देखा सब्सक्राइबर्स इतने कम थे। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सॉन्ग बिकॉज इट वॉज अ रिक्वेस्ट, सो इस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। और दोनों ही खूबसूरत सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त से भी बढ़ के हैं। और इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, इन दोनों की आवाज़ अच्छी है। फुर्सत सॉन्ग मैंने इतना पसंद किया था। सो देखते हैं कि ये गाना कैसा है। ये स्टूडियो वर्जन है। ओह शी इज लुकिंग सो प्रिटी। दोनों ही प्यारे लग रहे हो। तेरे नूर से रोशन शामो सहर है, हिमेश की तेरा रूबरू होना रब की मेहर है। पहली बार में अपने से लगे तुम हमको, सोचा ही नहीं दिल दे बैठे उस वक्त हम तुमको। देखा तुझे तो लगा के दिन बदल जाएंगे। क्या लाइन है, देखा तुझे तो लगा दिन बदल जाएंगे। मैं तेरे सनम अब हम सवर जाएंगे। इश्क या तो संवार देता है या बिगाड़ देता है। देखा तुझे तो लगा हम बदल जाएंगे। देखा तुझे तो लगा के दिन बदल में तेरे सनम अब हम संवर जाएंगे। संवर जाएंगे राहत की तरह लग रही है इस वक्त आवाज। देखा तुझे तो लगा थोड़ी सी अगर आंखें बंद करूं। जो इसका ऑडिशन वीडियो था उसने पियानो भी कुछ बजाया था, तो ही लव टू बट सादा म्यूजिक बजाना सादा शब्दों में। तो ये हिमेश का चैनल है और हिमेश नजर नहीं आए वीडियो में। तो अलग आवाज है यार। लौटाएंगे इश्क शफ़क़त को, बड़ी शान से तुम भी निभाना रस्मे मोहब्बत को। देखा तुझे तो लगा के दिन बदल जाएंगे, इश्क में तेरे सनम अब हम सवर जाएंगे।
तुझे तो लगा, देखा तुझे तो लगा के दिल बदल जाएंगे, इश्क में तेरे सनम अब हम सवर जाएंगे, देखा तुझे तो लगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये सॉन्ग ओरिजिनल था इनका या फिर ये ऑलरेडी किसी का सॉन्ग है और उन्होंने दोबारा गाया है मुझे नहीं पता, बट मैंने पहली बार सुना है और ये वर्जन बहुत ही खूबसूरत वर्जन था। अगर इसका म्यूजिक थोड़ा और कम कर दिया जाए और सिर्फ इनकी आवाज रखी जाए तो रात में अकेले बैठ के सुनने में अलग ही मजा आएगा इस गाने को। स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं कोई बीच में से गलतियां नहीं निकाल रहा, मैं होता कौन हूँ निकालने वाली। दोनों की आवाज़ ही बहुत खूबसूरत है, दोनों ही बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट थे। पवनदीप आई गेस विनर थे, आई नॉट श्योर क्योंकि मैंने देखा नहीं सीजन, बट मैंने इन दोनों की परफॉर्मेंसेस काफ़ी देखी हुई हैं। सो बहुत ही प्यारे सिंगर हैं दोनों। और थोड़े से कमेंट्स लेते हैं इस सॉन्ग के। What a talent she is, या अरुणिता एंड पवनदीप as usual just adds another layer to his perfect singing, brilliant performances. The song is like old wine, just gets better and better with each year. After listening it 20th time, oh feels like nostalgia. Feels like a very professional old classic song. हाँ, इसमें काफ़ी ओल्ड सा टच था और वो अच्छा लग रहा था। पवनदीप की आवाज़ तो काफ़ी हद तक राहत फतेह अली की तरह लग रही थी। अगर कुछ कुछ जगह ऐसी थी जो मैं आंखें बंद करूँ तो शायद राहत लगता हूँ, मैं नहीं, मुझे लगता। वंडरफुल ऑरा, बोथ दी वॉइसिस कैप द मोड ऑफ द सॉन्ग, सच अ ब्यूटिफुल मेलोडी। कुछ कमेंट्स किसी और लैंग्वेज में भी हैं। अरुणिता इज साउंड ऑफ टुडे, म्यूजिक ऑफ टुमारो, द वोकल्स ऑफ अरुणिता इज अ विफ ऑफ परफ्यूम विच क्रिएट्स अ वाइबिंग ब्रीज मैग्निफिसेंटली स्वेप्ट अवे। लव द वेरिएशंस इन अरुणिता के फैंस काफी हैं कमेंट्स में थ्रू आउट द सॉन्ग। व्हाट अ जेम शी इज, क्लासिकल डज वंडर्स। वन वर्ड फॉर द सॉन्ग, मरहम। पवनदीप ऑसम ऑन तबला। ये क्या बात है, पवनदीप की भी आवाज की भी तो बात की जाए। पवनदीप एंड अरुणिता एड्स टू द फ्लेवर ऑफ एचआर म्यूजिक, या द टोनल क्वालिटी एंड द कंपेटिबिलिटी ऑफ पवनदीप एंड अरुणिता वॉइस इज मैजिकल एंड द मूड क्रिएटेड बाय अरुणिता इज मैजिकल। ओ रिपीट and the simplicity of Pavandeep completes the song. Yeah, beautiful song, another beautiful song of these two. और इसमें जो पहला एक शेर था वो हिमेश की आवाज़ में था, बाकी हिमेश नज़र नहीं आए, उन्हीं का यूट्यूब चैनल है ये। I was curious as to why this song ended, wanted more such classical melody. So this was the video. अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स की कुछ और परफॉर्मेंस पे रिएक्ट करूं तो प्लीज़ आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिएक्ट करूंगा और मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी सजेशंस का। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।